मोदी जी का वेलकम करते हैं कि वो आज कश्मीर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी आने के वक्त आने से हमें बहुत खुशी होती है और उसी की खुशी में हम सब यहाँ पे सारे वहाँ से निकले, हम कुलग्राम डिस्ट्रिक्ट से हैं। वेलकम वेलकम मोदी जी, वेलकम मोदी जी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग बहुत खुश है, पीस आया, पीस देखा जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। हम मोदी जी का तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं, हम कुलगाम से हैं। आप देखो पूरा कश्मीर किस तरह झूम उठा है और ये खुशी का माहौल है। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। हम दिल से इस्तकबाल करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब से 370 हटा हम एक द्वार से जुड़ पाए। आज तो पूरी उम्मीद है हमको, आज वो यहाँ आए, यूथ के लिए भी कुछ पैगाम यहाँ अच्छा पैगाम है। यूथ के लिए ड्रग से पहले युवती को बाहर निकालना है, यही हम संगठन की तरफ से भी उसको गुजारिश करते हैं। युवती पर हम पूरा ध्यान देते हैं पूरे कश्मीर में, बाकी तो डेवलप तो हो रहा है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक यहाँ, इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक है। कि पहले हड़तालें चल रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, जब से मोदी सरकार आए हुई है यहाँ पर तब से तो हो रहा है, डेवलप भी हो रहे हैं, हड़तालें भी गई हैं, अब कोई रात भर भी लोग घूम सकते हैं। पहले तो ये यहाँ पर 9 बजे के बाद में घूम भी नहीं सकता था आदमी, अभी देखो रात भर भी देखो लाल चौक में घंटाघर में घूमते हैं। जब से मोदी सरकार है बहुत ही अच्छी सरकार है। तो अभी क्या उम्मीद है मोदी जी यहाँ पे अनाउंस करेंगे, कश्मीरियों को कितनी मदद मिलेगी उससे? बहुत मदद मिलेगी, तभी तो यहाँ पर आए हैं कि ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी कह रहे थे पहले हम कश्मीरियों के लिए वो करेंगे, करेंगे भी, इसकी नीयत भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रहा है, मेरा मानना ये है। और देखिए महराज भी हमारे साथ जुड़े हुए। महराज देखिए 2019 से लेकर अभी तक का सफर, जब 370 को अबॉलिश किया गया था, लोगों को हम देख पा रहे हैं और उन्हें काफी ज्यादा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि ये पहला विजिट है 370 खत्म करने के बाद। बिल्कुल बता दें आपको 370 के बाद ये पहला विजिट है, और लेकिन अगर हम कहें तो ऐसी रैली जो है वो 2014 के यानी 15 के बाद पहले दूसरी बार ये रैली होगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 8 साल में एक जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसिता कश्मीर में है या पहचान है वो बहुत बढ़ गई है, और कुल मिलाकर ऐसी योजनाएं जो है जिनसे कश्मीरियों को लाभ मिल रहा है, जैसे आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, या जो गोल्डन कार्ड है, तो उसके साथ कह सकते हैं कि कश्मीरियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, और विशेषकर ऐसी योजनाओं का वो हमेशा से जो है प्रशंसा कर रहे हैं, और इसकी प्रमाण भी ये कह सकते हैं कि कश्मीर में बख्शी स्टेडियम में इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग आ पहुंचे हैं। जी समीर जी, महराज एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि 2019 के बाद से कश्मीर में बदलाव की बयार बही है, और ये बात बीजेपी के नेता मौके पर कहते रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको नाम ही दिया गया है विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर। और उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीरी युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है, उनसे बातचीत है, मंच से ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी सामने आएगा, आप देखने वाली बात होगी क्योंकि प्रोग्राम का नाम विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर रखा गया है। घाटी में जो बदलाव हुए हैं इन 5 सालों में, उन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है।